अस्सलामुअलैकुम। आज का जो वर्कआउट है वो करेंगे हम बैकअप वर्कआउट करेंगे। हर एक्सरसाइज की तरह हम डिफरेंट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि बैक की एक्सरसाइज कितने ही हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, आप लोग एक ही वर्कआउट कर करके आपको रिजल्ट नहीं आते। मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि हर एक्सरसाइज आप डिफरेंट करें ताकि आपकी बॉडी में जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आए और बहुत जल्द डिवेलप हो सके। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना बैक का वर्कआउट। उससे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप करेंगे हम बैक से 3 की प्लेट ऐड कर लेंगे और उसके हम 20 रैप्स करेंगे। हमेशा की तरह बॉडी को अच्छे से वार्म अप करें ताकि आपकी बॉडी में कोई इंजरी ना हो सके। चलें जी, आ जाए ये रॉड पकड़ जल्दी से। हाँ, ये तो लगा। हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है बारबेल से। बारबेल से हम रोइंग करेंगे। रोइंग में आपने क्या करना है, 15 केजी का वेट इंक्रीज कर लेना है इसमें, दोनों साइडों में 15 केजी का, और आपने उसके 10 रैप्स लगाने हैं। थोड़ा वाइट पकड़ेंगे। चलें अब नीचे आ जाए। चलें ठीक है। जैसे रॉड ऊपर आएगा उसकी टम्मी की तरफ, आपने बॉडी को भी ऊपर नीचे मूवमेंट करनी है, और जो आपकी बैक होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इसके हम 10 रैप्स करेंगे, 15 केजी का वेट डालेंगे, उसके बाद हम 5 केजी का वेट डालेंगे, फिर हम इसके 12 रैप्स करेंगे, फिर हम वेट उतना ही रहेगा, उसके बाद फिर हम इसके 18 रैप्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी टी बार। अगर आपके पास जिम में मशीन नहीं है टी बार की, आपने इसके अंदर 20 केजी के वेट डालना है, उसको पकड़ लेना है यहाँ से। एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लेग्स थोड़ी सी वाइड करेंगे और थोड़ी बेंड करेंगे, चेस्ट उठाएंगे, आप लगाएं। अच्छा, 20 की प्लेट डाल के हम इसके 10 रैप्स करेंगे, फिर हम 10 प्लेट ऐड करेंगे, उसके फिर हम 12 रैप्स करेंगे। 10 की प्लेट अगर इजीली लग जाती है आपसे, हम उसके ऊपर 5 का वेट और ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसके 18 रैप्स करेंगे। 10 15 देन 18। चलें, जो थर्ड एक्सरसाइज है काफी इफेक्टिव है। इसमें हम दो एक्सरसाइज को हिट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम डंबल्स पकड़ लेंगे हम 16 केजी का, हम उसको कैसे लगाएंगे, लगाएं जरा। वन हम इसको रोइंग पे लगाएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम इसको डेड लिफ्ट की तरफ जाएंगे। ये हमारा एक रैप होगा। इसी तरह हम इसके 12 रैप्स करेंगे, ये 2 रैप्स होगा, ठीक है। 20 केजी के पकड़ के हम इसके 3 सेट्स करेंगे, परफेक्ट। और जब देखें, जब पीछे जाना है बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है। चलो, हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हम करेंगे रोप से। रोप पुल डाउन करेंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। आपने 8 प्लेट्स डालनी है और फुल पीछे आना है। अच्छा, हाथ जो होंगे आपके अंदर की तरफ मूव होंगे, जैसे ये बॉय अंदर की तरफ, और इसको पेट की तरफ लेके आना है। आपने ओपन नहीं करने, हाथ ओपन नहीं करने, क्लोज रखने, दोनों हाथ क्लोज रखने हैं। क्लोज करके ये देखें, ये बैक 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 को फोकस करेगा ये। और जब आपने आगे जाना है, हाथ आपके स्ट्रेट होंगे, थोड़ी सी बॉडी को आपने डाउन करना है, डाउन देन अप, ठीक है। 8 की प्लेट से हम करेंगे 10 रैप्स, फिर हम एक प्लेट और ऐड करेंगे, उसके 15 रैप्स करेंगे, फिर जैसे हमारे 9 प्लेट्स हो जाएंगे, उसके हम 18 रैप्स करेंगे, ठीक है। चलो, फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि है बैक की। अमूमन लोग इसको रियर डेल्ट में भी लगाते हैं, बट आपने क्या करना है, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप रियर डेल्ट की कर रहे हैं आपने एल्बो ऊपर रखने हैं, अगर आप बैक की कर रहे हैं तो आपने अपने एल्बो को नीचे की तरफ मूव करना है। चलो लगाए, एल्बो नीचे रखनी है, बस ज़्यादा आगे नहीं जाना, पूरी बैक को कॉन्ट्रैक्ट करें। ये हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। इसके हम फोर प्लेट से हम इसके 10 रैप्स करेंगे, फिर हम एक प्लेट डालेंगे इसमें, इसके हम करेंगे 15 रैप्स। अगर तो लग गया इजीली तो ठीक है, आप 18 रैप्स कर लें। अगर नहीं इजीली लग रहा है तो आप वेट ऐड कर लें। अगर नहीं लग रहा इजीली तो हम उसी प्लेट पे हम इसके 18 रैप्स करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज होगी, ये वाली कंप्लीट। अब हम करेंगे कोर की एक्सरसाइज। आ जाए, कोर की एक्सरसाइज जो कि हम इसी मशीन में करेंगे, बट वो दो एंगल पे करेंगे। जैसे एक हाई नीज पे करेंगे हम, नीज अप जाएगी ऊपर तक, यस। इसके हम 20 रैप्स करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। हर सेट के बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। जब हमारे इसके 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। लेग्स को स्ट्रेट करके बस इतना। लोग ज़्यादातर उसको पीछे लेके जाते हैं, जो कि चीट करते हैं। वो बताता हूँ कैसे करते हैं, पीछे लेके जाएं। ये चीट है, ये नहीं आपने करना। आपने इसको मूव करना है ऊपर की तरफ, ये इतने आपने इसकी मूवमेंट रखनी है। तो आज का हमारा हुआ वर्कआउट कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे कार्डियो। कार्डियो हम करेंगे 3 मिनट्स रनिंग, उसके बाद हम एंड में चिनअप्स करेंगे। अगर आपसे इजीली लग सकती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लग रही तो आप 30 सेकंड हैंग हो जाएं, वो भी बेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।